तो प्रदेश में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में कार्यकर्ताओं का विरोध प्रबल होता जा रहा है और कांग्रेस इस बार हालांकि फिर से राजस्थान में सरकार बनाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। इसके लिए कांग्रेस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। दूसरी ओर भाजपा की गुटबाजी जो अब बंद कमरों से सड़कों पर नजर आने लगी है। राजस्थान में कई खेमों में बटी भाजपा ने आला कमान की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और चिंता की सबसे बड़ी वजह बन रही है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। इसकी वजह है कि जैसा कि राजस्थान में इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने से काफी पहले से ही वसुंधरा वर्सेज मोदी और फिर वसुंधरा वर्सेज शाह की जो कोल्ड वार के कयास लगाए जा रहे थे, वो सारे के सारे कयास वसुंधरा को पहले परिवर्तन यात्रा की जिम्मेदारी से दूर रखने और फिर चुनाव समिति में शामिल नहीं किए जाने के बाद इन कयासों पर मुहर लग गई। भाजपा के जो प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद तो यह अंतरकलह जो भाजपा की है वो और भी ज्यादा सामने आ गई और फिर उसके ठीक बाद सड़कों पर आ गई। भाजपा की पहली सूची में वसुंधरा राजे के कई कट्टर समर्थकों के टिकट काटे गए थे, जिसमें जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से राजपाल सिंह शेखावत और विद्याधर नगर क्षेत्र से नरपत सिंह राजवी के नाम काटे जाने का परिणाम कार्यकर्ताओं का आक्रोश जो है भाजपा को झेलना पड़ा। राजपाल समर्थकों ने तो झोटवाड़ा प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को काले झंडे दिखाकर गो बैक के नारे तक लगाए थे। राजे समर्थकों का विरोध इस उबाल पर था कि भाजपा आलाकमान को राजे के सामने झुकना ही पड़ा और दूसरी लिस्ट में राजे कैंप के जो करीब 15 समर्थकों के नाम शामिल करने पड़े। भाजपा ने अभी तक अपने 184 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और तीसरी सूची का अब बड़ी बेसब्री से इंतजार है, जिसमें बवाल मचने की पूरी पूरी संभावना है। इस सूची में भी उनकी वसुंधरा के कई समर्थकों को टिकट दिलवाने के लिए वे पैरवी कर चुकी है, जिसमें आदर्श नगर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अशोक परनामी और डीडवाना से यूनुस खान के नाम शामिल हैं। अगर फिलहाल वसुंधरा राजे की बात करें तो वे अभी शांत बैठी हैं। राजे नियमित रूप से अपने आवास पर समर्थकों से आगंतुकों से मिल रही हैं। दूसरी ओर वसुंधरा कैंप के जो समर्थक हैं उनका विरोध लगातार जारी है। वसुंधरा राजे चुनावों में खुलकर काम भी इस बार करती नजर नहीं आ रही है। हालांकि राजे कैंप के जो विरोध की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि आलाकमान ने राजे के साथ ही भाजपा के एक बड़े धड़े को पूरी तरह हाशिए पर लाने का प्रयास किया था इन चुनावों में। यह वह धड़ा है जिसने वसुंधरा राजे के लिए यस मैम वाली राजनीति की है। यह वही धड़ा है जो उनकी राजनीति राजे के नाम पर जिनता है। ये वे ही है, वही पूर्व विधायक और मंत्री इसमें शामिल है जो वसुंधरा राजे के साथ नजर आते रहे ज्यादातर खासतौर पर खास मौकों पर। जब इसके अलावा जब सीएम फेस को लेकर भी जब पार्टी में सुगबुगाहट चल रही थी तो राजे समर्थक ये कह रहे थे कि भाजपा की जीत हुई तो वसुंधरा ही राजस्थान की सीएम होंगी, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा के जो ध्रुव रद्दी हैं कई उस खेमे का कहना था कि इसका निर्णय पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है वही करेगा। तो बता दें कि पार्टी आलाकमान ने पार्टी उपाध्यक्ष बनाकर वसुंधरा राजे को पहले राष्ट्रीय राजनीति में लाने का प्रयास भी किया था, लेकिन वसुंधरा राजे इन सियासी पैंतरों की खुद अपनी इतनी माहिर खिलाड़ी रही हैं कि उन्होंने केंद्र की सियासत से साफ इनकार कर दिया। दूसरी ओर वसुंधरा राजे ने अपनी शक्ति प्रदर्शन कर कई मंचों से यह भी साफ कर दिया कि वो राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, यहाँ के लोगों की ही सेवा करेंगी। हालांकि विरोध और अंतरकलह की बात करें तो कांग्रेस में भी ये साफ देखने को मिला है पिछले सालों, ऐसा कलह जिसने राजस्थान में सियासी संकट ला दिया था जिससे कांग्रेस की गहलोत सरकार बड़ी मुश्किल से उभर पाई थी, लेकिन समय रहते कहीं ना कहीं जो कई बड़े नेताओं की मध्यस्थताओं के बाद धीरे धीरे चुनाव से पहले ही इस मामले को कांग्रेस ने सुलझा लिया। कांग्रेस की सूचियों में गहलोत और पायलट समर्थकों को टिकट देना भी इसी रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर जो ईडी की रेड हुई थी, सीएम के बेटे वैभव गहलोत को सम्मन दिया गया था, तो पायलट का जो विरोधी बयान आया था इसको लेकर कांग्रेस की एकजुटता को इस बयान के आधार पर जोड़ा जा रहा है। पायलट ने इस दौरान प्रेस वार्ता कर बुलाया कर कहा था कि भाजपा इस तरह के हथकंडों से कांग्रेस के नेताओं को डरा नहीं सकती। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि ईडी की रेड के बावजूद भी कांग्रेस के नेताओं ने एकजुटता दिखाकर पार्टी का मनोबल नहीं टूटने दिया। वहीं भाजपा आलाकमान और वसुंधरा राजे के बीच जो जारी है ये शीत युद्ध, उससे प्रदेश भाजपा में भय का माहौल बनता जा रहा है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां आखिरी पड़ाव पर चल रही हैं और भाजपा आलाकमान शय और मात के इस खेल जो सियासी खेल है उसको जीतना तो चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल अपने ही मोहरों से पिटता नजर आ रहा है। चुनावी चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।